أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبي آدم بين الماء والطين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم صدق صادق المصدوق عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليك وسلم آج اس وقت پوری دنیا میں मौलाए कायनात हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु का योम शहादत मनाया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि अहले सुन्नत व जमात अपने अपने तौर पर ज़िक्र अली मनाने में ज़िक्र अली करने में मशगूल है, तो दूसरी तरफ कुछ खारजी सिफत लोग भी हैं कि जो परेशान हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस जमाने में वो खारजी कौन लोग हैं कि जो जिक्र अली से परेशान है। याद रखिए कि खारजियत पूरी तरह खत्म नहीं हुई, आज भी इसके अज़ा इसका कुछ हिस्सा बल्कि एक बड़ा हिस्सा आज भी पाया जाता है माशरे में, आज भी ये लोग मौजूद हैं। ये अलग बात है कि नाम बदल दिया है, प्रोडक्ट वही है, पैकिंग बदल गई है। जब अली की जात हयात थी तब भी खारजी परेशान थे और उन्होंने सोचा कि अली को हम शहीद कर देंगे, अली का जिक्र खत्म हो जाएगा, अली का नाम फना हो जाएगा। लेकिन ये उनकी खाम ख्याली थी कि उन्होंने अली को कत्ल किया, मौला कायनात को शहीद किया, लेकिन वो आज भी परेशान हैं कि हमने अली को कत्ल किए हुए अरसा गुजर गया, 1400 साल हो चुके, हमने तो सोचा था कि अली को खत्म कर देंगे, तस्करे अली ही खत्म हो जाएगा, मगर हाल तो ये है कि जैसे जैसे दिन गुजरते हैं जिक्र अली वैसे वैसे बढ़ता जाता है। एक तबका है जो जिक्र अली से आज भी चिढ़ता है, एक माशरा है जो आज भी कहता है कि क्या जरूरत है जिक्र हुसैन करने की, क्या जरूरत है जिक्र हसन करने की, क्या जरूरत है शहादत अली के मनाने की। भाई जिंदा थे, कत्ल हो गए, बात खत्म हो गई, 1400 साल का अरसा गुजर गया। हम कहते हैं कि जब जब इनका जिक्र होता है मोहब्बतें ताजा होती है, मोहब्बतों में इजाफा होता है। और याद रखिए अहले बैत अथार की मोहब्बत, नबी के खानदान वालों की मोहब्बत, ये कोई शिया सुन्नी का इख्तलाफ और मसला नहीं है, ये कोई शिया सुन्नी का मामला नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई शहादत अली तो शिया मनाते, सुन्नियों को मनाने की क्या जरूरत है। हमने कहा चलो मैं दो बात कहता हूं, पहली बात चलो अगर तुम अली की शहादत से चिढ़ते हो तो शहादत उमर मना लो, तुम्हें रोका किसने, शहादत उस्मान गनी मनाओ, तुम वो भी तो नहीं मनाते। हम तो अहले सुन्नत है, हम शहादत इमाम हुसैन भी मनाते हैं, शहादत अली भी मनाते हैं, शहादत उस्मान गनी भी मनाते हैं, शहादत उमर फारूक भी मनाते हैं, हम सबको मानते हैं, मगर तुम तो किसी को नहीं मानते। तो कहते क्या जरूरत है कि अली का जिक्र किया जाए, उनकी शहादत का जश्न बरपा किया जाए, ये तो शियाओं का काम है। हमने कहा जनाब मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत अली शिया सुन्नी का मामला नहीं है, बल्कि मोहब्बत अली जाने ईमान है।
ये ईमान का तकाजा है, ये ईमान का मसला है। जहां मोहब्बत अली है वहीं ईमान है, और जहां मोहब्बत अली ना हो वहां ईमान नहीं है। आइए मैं खदीस पाक आपको अपनी इस दलील में पेश कर रहा हूं, अपनी इस बात की ताइद में। हदीस के अल्फाज ये है कि अन अब्दुर्रहमान इब्ने अबी लैला रदी अल्लाह अन्हु, अब्दुर्रहमान इब्ने अबी लैला से रिवायत है, वो कहते हैं अन अबी ही काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुर्रहमान इब्ने अबी लैला कहते हैं कि मैंने अपने वालिद से सुना और मेरे वालिद ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह को कहते हुए सुना। तो मेरे रसूलुल्लाह इरशाद फरमाती हैं, ला युमिनु अब्दुन हत्ता कुना हब्बा इलैही मिन नफ्सी। आका ने कहा लोगों तुम में से कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता, वो मोमिन है ही नहीं जब तक मैं उसके नजदीक उसकी जान से ज्यादा अजीज ना हो जाऊं। जब तक वो अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे वो बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता। मोमिन होने की पहली शर्त रसूल ने बताई कि अपनी जान से ज्यादा मुझे महबूब जानो। मेरी अजमत की बात आ जाए तो अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहो, ये ईमान का पहला तकाजा है। फिर आगे फरमाया वह अहली अहब्बा इलही मिन अहलिही, और जब तक वो मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने अहले खाना से ज्यादा मेरे अहले खाना को मेरे अहले बैत को महबूब ना समझे। वह इतरती अहब्बा इलही मिन इतरती, और जब तक अपनी औलाद से ज्यादा मेरी औलाद को महबूब तर ना जाने। वजाती अहब्बा इलही मिन जाती, और जब तक अपनी जात से ज्यादा मेरी जात को अजीम और महबूब करार ना दे दे उस वक्त तक वो बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता। तीन दो तकाजे बयान किए हैं, अल्फाज थोड़े से एक ही बात के लिए दो दो मुख्तलिफ अल्फाज आए। अहले बैत भी लफ्ज आया, इतरती भी लफ्ज आया है, अहल भी लफ्ज आया है, लेकिन दो ही बातें हैं इसमें मजमूई कि रसूलुल्लाह ईमान की शर्त ये बयान कर रहे हैं कि मोमिन वो है हकीकत में जो अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करे, अपनी औलाद से ज्यादा मेरी औलाद से मोहब्बत करे, अपने अहल से ज्यादा मेरे अहल खाना से मोहब्बत करे। तो अपने अहल से हम मोहब्बत करते हैं, हमें अपने अहल खाना और औलाद से ज्यादा अहल बैत से मोहब्बत करना है। तो ये मसला शिया सुन्नी का मसला नहीं है, ये तो ईमान का तकाजा है। लेकिन हुआ क्या, कुछ जमातें इस वक्त जो मौजूद हैं, आका ने कहा था मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, अभी 73 पूरे होने के कुछ हो गए, तो सबने मजहब के नाम पर कुछ बंटवारे कर लिए। एक ने कहा हम सिर्फ अल्लाह को लेंगे, रसूल को लेंगे और अहले कुरान बन गए। कहा हम अहले कुरान है, कुरान के आगे हम किसी को मानने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह रसूल की बात की, आगे मानने के लिए तैयार नहीं। फिर एक तबका उड़ा कान अल्लाह रसूल और हदीस, अपना नाम उन्होंने अहले हदीस रख दिया। काम अहले हदीस है, हम सिर्फ हदीस मानेंगे बाकी किस कुछ नहीं मानेंगे। तीसरा तबका एक उठा, उन्होंने कहा सिर्फ हम सहाबा को मानेंगे, अहले बैत को नहीं मानेंगे। सहाबा तक हम मानने के लिए तैयार है, अल्लाह रसूल सहाबा और अपनी जमात का नाम देवबंदी रखा, फिर उसी में जमात पैदा की, नाम ही रख दिया सिपाहे सहाबा। सिपा कहते फौज को, सहाबा की फौज। फिर एक तबका और उठा, उन्होंने कहा कि साहब हम अल्लाह रसूल और अहले बैत तीन मानेंगे, सहाबा को नहीं मानेंगे। राबदी और शिया कहलाए, लेकिन दुनिया का वाहिद फिरका वाहिद जमात अहले सुन्नत व जमात है जिसने कहा हम लेंगे तो पूरा दीन लेंगे, अधूरा दीन नहीं लेंगे, कुछ छोड़ेंगे और कुछ लेंगे ऐसा नहीं। हमें तो पूरा चाहिए, हमें तो अल्लाह भी चाहिए, रसूल भी चाहिए, सहाबा भी चाहिए, अहले बैत भी चाहिए, आइम्मा भी चाहिए, औलिया भी चाहिए, उलमा भी चाहिए। हमने सबको लिया और हर हमारे इमाम ने पुकार के कहा तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। ना हमने सहाबा को छोड़ा ना अहले बैत को छोड़ा, तो हमारे इमाम ने खुशखबरी सुना दी कि सहाबा को भी लो अहले बैत को भी लो, तो तुम्हारे लिए खुशखबरी यह है कि अहले सुन्नत का बेड़ा पार है। असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, ये है अहले सुन्नत व जमात, मुकम्मल जमात मुकम्मल चीज। हमने कुछ को लिया कुछ को छोड़ा ऐसा नहीं किया।
हमने सबसे मोहब्बत की। लेकिन चूंकि आज का मौजू अली है, तो मैं आज मौला कायनात पर ही गुफ्तगू करूंगा। तीन हिस्सों में आज मैंने अपनी तकरीर को तकसीम किया है, एक फजाइल अली, दूसरा टॉपिक रहेगा इल्मे अली, और तीसरे में फिर मैं शहादत बयान करूंगा। जहां तक फजाइल अली की बात है ना, अजमत अली की बात है, इमाम अहमद इब्ने हंबल अहले सुन्नत के इमाम फरमाते हैं कि लोगों कसम खुदा की तमाम सहाबा में फजीलत में जितनी हदीसे मौला कायनात के बारे में आई किसी साहबी के बारे में नहीं। और ये वाकई हकीकत है। इसका यह मतलब नहीं है कि अबू बकर सिद्दीक की फजीलत कम है, नहीं, अबू बकर तो तमाम अंबिया के बाद सबसे अफजल है। रिवायत कसरत के साथ अली के बारे में, कसरत रिवायत एक अलग बात है, फजीलत का एक दर्जा अलग बात है। तो अली की फजीलत सबसे ज्यादा आई, बल्कि इमाम जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी तफसीर दुर्र मंसूर में फरमाते हैं कि कुरान में जहां जहां ये लफ्ज आया है, बहुत जगह आया कुरान, अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ना चाहिए, हर मुसलमान ने पढ़ना चाहिए, या अय्युहल्लज़ीन आमनु, बहुत जगह आया या अय्युहल्लज़ीन आमनु, ऐ ईमान वालो, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। इमाम जलालुद्दीन सियूती फरमाते जहां जहां या अय्युहल्लज़ीन आमनु आया, और जब तुम कुरान में ये पढ़ो तो जान लो या अय्युहल्लज़ीन आमनु, ऐ ईमान वालो, तो इसमें इन ईमान वालों के सरदार मौला कायनात अली मुर्तजा, जहां भी या अय्युहल्लज़ीन आमनु जब भी नासिल हुआ उसमें अली शामिल रहे खुसूसियत के साथ। बल्कि अली की मोहब्बत फजीलत तो यह है कि अली की मोहब्बत को रसूल ने पैमाना बना दिया, कुफ्र ईमान का, कुफ्र ईमान का पैमाना है, थर्मामीटर है। चुनांचे हदीस पाक में आता है, और मैं इस पर इंशाल्लाह नुक्ता भी पेश करूंगा, पहले हदीस सुन ले। हदीस के अल्फाज ये, अन ज़िर्रिन रदियल्लाहु अन्हु काला काला अलीयुन रदियल्लाहु अन्हु, हजरत ज़िर रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने मौलाए कायनात को ये कहते हुए सुना। हदीस के रावी खुद हजरत अली है, अली ही खुद अपनी फजीलत बयान कर रहे हैं, और किन अल्फाज में बयान की, जरा ये अल्फाज भी सुने मौलाए कायनात के। वल्लज़ी फलकल हब्बा का, लोगो उस साथ की कसम जिसने दाने को फाड़ा ताकि उससे अनाज उगे, उस साथ की, उस परवरदिगार की कसम जो दानों को फाड़ने पर कुदरत रखता है, वबरअन नस्मा, और उस साथ की कसम जो जानवरों का खालिक है, जिसने जानवरों को भी पैदा किया, अन्नहु लअहादुन नबीयिल उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैया, मौला कायनात कहते लोगों नबी करीम नबी उम्मी ने, नबी उम्मी, उम्मी के मायने होते वो जात जिसने किसी से ना पढ़ाओ, जिसका कोई उस्ताद ना हो। तो रसूल का उस्ताद कौन है? दुनिया में कोई नहीं है जो रसूल को पढ़ा सके। रसूल पढ़ाने आए थे, पढ़ने नहीं आए थे, पूरी कायनात के मौलिम रसूल है, पूरी कायनात के पढ़ाने वाले रसूलुल्लाह है, और रसूलुल्लाह का मौलिम आजम कौन है? परवरदिगार आलम है। रब खुद इरशाद फरमाता है, वो अल्लमा का मालम तकुंत आलम, अरे मेरे हबीब जो तू नहीं जानता था वो मैंने तुझे पढ़ा दिया, जो भी तू नहीं जानता था मैंने सिखा दिया। और रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, वही रहमान है जिसने अपने हबीब पर कुरान नाजिल किया। इंसानियत की जान, खलकल इंसान का तर्जमा आला हज़रत ने क्या किया, ये आलत के तर्जुमे की शान है, खलकल इंसान, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया, अल्लमहुल बयान, और अपने हबीब को कलाम करना सिखाया, गुफ्तगु करना सिखाया। पढ़ाने वाला रब्बे कदीर है, तो नबी उम्मी कहा, वो मेरे नबी, आल अली कहते वो नबी जिसने किसी से नहीं पढ़ा, अपने रब से पढ़ा, उन्होंने मुझसे ये अहद किया, मुझसे ये वादा किया। क्या वादा किया अली से रसूलुल्लाह ने? अल्लाह युहिब्बनी इल्ला मोमिन वला युबगिदनी इल्ला मुनाफिक। कहा अली सुन, कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो तुझसे मोहब्बत ना करे, वही मोमिन होगा जब वो तुझसे मोहब्बत करने वाला होगा, और मुनाफिक वो होगा जो तुझसे बुग्ज रखने वाला होगा। ये बड़ा आम फहम तर्जुमा किया मैंने। अब इस हदीस को बहुत सारे लोगों ने लिखा है, मैं हवाले दूं, इससे पहले एक एतराज सुना देता हूं।
اب یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ علی کہتے ہیں کہ رب نے اللہ کے رسول نے مجھ سے عہد کر دیا، وعدہ کر لیا کہ علی وہ مومن ہوں گا جو تجھ سے محبت کریں گا، وہ مومن، اور منافق وہی ہوں گا جو تجھ سے بغض رکھیں گا۔ تو اس زمانے کے میں جو خارجیوں کی بات کر رہا ہوں، اس کے اس وقت خارجی فرقے کے جو سب سے بڑے سربراہ ہیں ان کا نام ہے ابن تیمیہ۔ آج سعودی حکومت اسی ابن تیمیہ کو اپنا سب سے بڑا پیشوا مانتی ہے۔ انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا کہ ابن تیمیہ کے خارجی والے کیا عقیدے تھے۔ اس نے کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے منہاج السنہ، یہ کتاب ٹیبل پہ یہاں موجود بھی ہے۔ منہاج السنہ کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 30 پر اس روایت کے بارے میں ابن تیمیہ نے کمنٹس کیا اور کہا کہ جو علی سے بغض رکھے وہ مسلمان ہی ہوں گا، وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کا ایک شیوا تھا ابن تیمیہ کا، جو بات اس کے عقیدے کے خلاف ہو اس حدیث کا فوراً انکار کر دیتا تھا۔ آج اہل حدیث اس کی اس بات کو مانتے اور اس حدیث کو نہیں مانتے۔ یعنی ابن تیمیہ کے نزدیک علی سے بغض رکھنے کے باوجود بھی مسلمان ہی رہیں گا بندہ۔ اب یہ کون سا اسلام ہے بھائی جو سعودی عرب سے ہم کو مل رہا ہے؟ تو مجھے بتاؤ یہ 1400 سال پہلے والا اسلام ہے سعودیہ میں کہ یہ اس وقت کا کوئی لیٹسٹ نیا اسلام آیا ہے؟ ہمارا اسلام وہ ہے کہ جس میں علی سے بغض نفاق کی علامت ہے، علی سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ لیکن آئیے میں حوالے دیتا ہوں کہ ابن تیمیہ کی نظر میں یہ حوالے نہیں گزرے۔ اس حدیث کو حالانکہ معتبر کتابوں میں موجود ہے، یہ حدیث جس میں سب سے پہلی کتاب میں پیش کر رہا ہوں جس کا نام ہے صحیح مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے بھی لکھا اپنی جلد نمبر 1 صفحہ 62 کتاب الایمان حدیث نمبر 144 پر۔ اسی حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے بھی لایا المصنف میں، اس کو امام احمد ابن حنبل نے بھی لکھا۔ میں حدیث نمبر چھوڑ رہا ہوں وقت بچانے کے لیے۔ امام احمد ابن حنبل نے بھی اس حدیث کو اپنی مسند میں لکھا، اس کو امام ترمذی نے اپنی سنن میں لکھا، امام نسائی نے بھی اپنی کتاب سنن کبری میں اس حدیث کو بیان کیا، امام ابن ماجہ نے بھی اپنی سنن میں اس کو نئے بیان کیا، حضرت امام ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو لایا، امام ابو یالا نے اپنی المسند میں اس حدیث کو نقل کیا، امام بزار نے اپنی المسند میں اس حدیث کو نقل کیا، امام ابن ابی عاصم نے اپنی حدیث کی کتاب السنہ میں اس کو نقل کیا۔ میں نے 10 کتابوں کے نام بتایا، 10 محدثین، بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث آئی، اتنی کتابوں کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں ابن تیمیہ سے پہلے کے لکھنے والے۔ مگر اہل حدیث فرقہ ابن تیمیہ کا ماننے والا کہتا ہے نہیں، اس حدیث کو ہم نہیں مانتے، علی سے اگر کسی نے بغض رکھا تب بھی وہ مومن ہوگا۔ لیکن صحابہ کا عمل کیا تھا؟ صحابہ کا عمل کیا تھا؟ آئیے میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں انا قلنا لنعرف المنافقین نحن معشر الانصار ببغضهم علی بن ابی طالب۔ حدیث کا تھوڑا سا پس منظر سنیں پھر حدیث کے الفاظ۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جب ہمارے زمانے میں ایمان پہچاننا مشکل ہو گیا، فرقے پیدا ہو گئے رسول اللہ کے وصال کے بعد، علی کے زمانے میں، فاروق اعظم کا زمانہ ختم ہوا، عثمان غنی کی شہادت ہوئی، اب کئی فرقے پیدا ہو چکے تھے۔ انہی فرقوں میں ایک فرقہ خارجی بھی پیدا ہو چکا تھا جو علی کو گالیاں دیتا تھا، اہل بیت کی توہینیں کرتا تھا، ایمان کے دعوے کرتے تھے۔ نازبی بھی پیدا ہوئے اس زمانے میں، بہت سارے اور دو چار فرقے پیدا ہو گئے۔ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہمیں پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ بھائی مسلمان کون ہیں اور اس میں منافق کون ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ صحابہ کو پہچاننا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ جو منافق ہوتا ہے نا وہ بھی نماز پڑھتا ہے، منافق بھی لباس اسلامی پہنتا ہے، منافق بھی سر پہ ٹوپیاں لگاتا ہے، وہ بھی روزے رکھتا ہے، وہ بھی زکات دیتا ہے، وہ بھی حج کرتا ہے۔ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا اس زمانے میں پہچاننا کہ ہم کیسے جانے کون مومن ہے
कौन मुनाफिक है, कौन हम में से है, कौन हमारी जमात से खारिज है। तो हम अंसार के लोगों ने, हमारे अंसारी लोगों ने यह तरीका निकाला कि जब हम में कोई ऐसा शख्स आ जाता जो मशकूक होता, जो डाउटफुल होता, और हम जानना चाहते हैं कि ये मोमिन है या काफिरों में से है, तो हम जानने के लिए क्या करते, हम अली का जिक्र करने लगते, अली का तस्करा करने लगते। अगर अली से बुग्ज को जाहिर किया तो हम पहचान लेते ये मुनाफिक है, और अली से मोहब्बत का इजहार किया तो हम जान लेते ये मोमिन है। तो अली उस जमाने में कौन थे? ईमान की पहचान। तो गोया जहां जिक्र अली है, जहां जिक्र अली से खुशी है, वहां ईमान है। जहां जिक्र अली से चेहरे के जोग्राफिये बदल जाए, वहां पर ईमान नहीं है। तो मौला कायनात अपने जमाने में निशानी थी। साहबा कहते हैं कि जब हमें कोई डाउटफुल आ जाता और हमें परेशानी होती कि कैसे पहचाने हम में है कि दूसरों में है, तो जिक्र अली करते। यही रिवायत हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला से भी आई, जो अली का है वो हमारा है, जो अली का नहीं वो हमारा नहीं। तो इसी को शायर ने बड़े क्या अंदाज में कहा, मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है उसे बुतूल की चौखट पे डाल देता है। मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है उसे बुतूल की चौखट पे डाल देता है। परखना हो किसी को तो या अली कह दो, परखना है किसी को तो या अली कह दो। ये वो अमल है जो सजरे खंगाल देता है, ये वो अमल है जो सजरे खंगाल देता है। या अली बोलो, चेहरे का जोग्राफिया बिगड़ जाओ, समझ लो बदबूदार वहाबी है। ना ये ही में है ना शी में, ये अभी तक डाउटफुल है बिचारा। ना ही में है ना वो शी में है। तो सजरा अगर किसी का जानना हो तो देखो अहले बैत को मानता है कि नहीं, मौला कायनात से मोहब्बत है या नहीं, और ना हो तो समझ लो डाउटफुल है। अली की मोहब्बत सिर्फ दुनिया में लाजिम नहीं है। अस्सवाइकुल मुहर्रिका हवाला भी सुनते चले। अस्सवाइकुल मुहर्रिका बहुत बड़े हमारे अहले सुन्नत के इमाम गुजरे, नाम है उसी इमाम का जिन्होंने किताब लिखी अस्सवाइकुल मुहर्रिका, इमाम इब्न हजर अल हैतमी अल मक्की अश्शाफी रहमतुल्लाह। मैं जितने हवाले दे रहा हूँ यहाँ टेबल पे, उसमें से कुछ किताबें मौजूद भी है अल्हम्दुलिल्लाह। सवाई के मुहर्रिका यहाँ मौजूद है, बैरूत का छपा नुस्खा है जिसका मैं हवाला दे रहा हूँ। अस्सवाइकुल मुहर्रिका में इमाम इब्ने हजर फरमाते हैं कि अली की मोहब्बत सिर्फ दुनिया में नहीं, आखरत में भी पूछी जाएगी। हदीस पाक नकल करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अली तेरी मोहब्बत जान ईमान है। अब चला झूमते झुमाते हुए आका फरमाते दरोगा जन्नत रिजवान रोकेगा, रोक के खैर अली की मोहब्बत का परवाना दिखा, बगैर इस पासपोर्ट के दाखला नहीं है। अली की मोहब्बत दिखा। तो आका कहते हैं जिसके बाद मोहब्बत अली का परवाना होगा वो जन्नत में जाएगा। तो मौला कायनात ने अर्ज किया, अरे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो परवाना कौन अता करेगा? कहा वो तेरे पास आएंगे, और अली जिसके दिल में तेरी मोहब्बत होगी तू उसे ही परवाना देगा, जिसके दिल में मोहब्बत ना होगी तू परवाना ना देगा, और जिसे तू परवाना ना दे उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और एक दूसरी हदीस में आया, वो भी हदीस सुन लीजिए, बड़ी प्यारी हदीस है कि अबू बकर सिद्दीक मुस्कुरा रहे हैं देखकर। ये दूसरे अल्फाजों में हदीस आई, हजरत अली को देख रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं मुस्कुरा रहे। मौला कायनात ने पूछ लिया, या अबा बकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या ऐसी चीज आपने मुझ में देख ली कि आपके लबों पर मुस्कुराहट है? कहा अली मुझे रसूलुल्लाह की एक हदीस याद आ गई। कहा बयान कीजिए। कहा मैंने रसूलुल्लाह से सुना कि अली वो है जो जन्नत का परवाना देगा। जिसको अली जन्नत का परवाना दे वो जन्नत में जाएगा, जिसको अली ना दे वो जन्नत में नहीं जाएगा। अबू बकर तो खामोश हुए। मौला कायनात ने मुस्कुरा के कहा, अबू बकर आपने तो इतना ही सुना, मगर रसूल ने मुझसे कहा अली सुनो, जब तुझे परवाना देने का इख्तियार दिया जाएगा कसम खुदा की तू उसको परवाना ना देना जिसके दिल में मोहब्बत अबू बकर ना हो। तो जिसके दिल में मोहब्बत अबू बकर हो उसे ही परवाना देना है। तो पता चला कि अहले सुन्नत इसलिए कामयाब है कि मोहब्बत अबू बकर भी है, मोहब्बत अली भी है, परवाना मिलना यकीनी है। एक कमी हो, देखिए एक पासपोर्ट पूरी बन जाए और उस पर थप्पा ना लगे, पासपोर्ट कोई काम का है भाई? कोई भी डॉक्यूमेंट्स ले लो आप,
एक बर्थ सर्टिफिकेट भी लेकर आओ ना बच्चों का, जब तक ऑफिसर का थप्पड़ साइन ना हो तो उसकी कोई वैल्यू है? तो सर्टिफिकेट तो अली के पास है, थप्पा किसका चाहिए? मोहब्बत अबू बकर सिद्दीक का चाहिए। तो ये मोहब्बत अली ईमान की जान है। इमाम अब्दुल रहमान अस-सफूरी अश-शाफई रहमतुल्लाह अलैह, ये बहुत बड़े इमाम गुजरे, दो जिल्दों में किताब लिखी, किताब का नाम है नुज़तुल मजालिस। उसे बयान करते हैं कि तो एक मरतबा मौलाए कायनात ने कुछ रुपये दिया, बाजार से कुछ खरबूजे खरीद के ले आओ। आज खरबूजा खाने का दिल चाह रहा है, बाजार से खरबूजा खरीद के लाए। अब साइंटिफिक रीजन हो सकते हैं खरबूजे की क्वालिटी को लेकर, लेकिन मैं हदीस की रोशनी में जो क्वालिटी और जो चीज बयान करना चाह रहा हूँ वो सुनिए। उसमें से कुछ खरबूजे फीके निकले, कुछ मीठे थे, कुछ में मिठास थी और कुछ में मिठास नहीं थी। तो जो मीठे नहीं थे उसको थोड़ा सा चखते थे असाब जो साथ में बैठ के खा रहे थे, और छोड़ देते थे, भाई मीठे नहीं है तो कौन खाए। हजरत अली मुस्कुराए और कहा कि जानते हो कुछ खरबूजे मीठे और कुछ खरबूजे फीके हैं, इसकी वजह क्या है जानते हो? मैंने रसूलुल्लाह से सुना कि रब तबारक व ताला ने मेरी मोहब्बत मखलूक पर पेश की। अल्फाज सुने, मेरी मोहब्बत को मखलूक पर पेश किया, जिसने मेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया वो मखलूक सरफराज हो गई, बुलंद हो गई, अजमत वाली हो गई। और जिस मखलूक ने मेरी अजमत को कबूल करने से इनकार किया, मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया, वो जलील हो गई। हत्ता कि मेरी मोहब्बत फलों पर पेश की गई, जिन फलों ने मेरी मोहब्बत को कबूल किया अल्लाह ने उसमें मिठास पैदा कर दी, और जिन्होंने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया अल्लाह ने उनमें से मिठास छीन ली। तो फलों की लज्जत भी मोहब्बत है अली पे। अब बताइए जब फल में अगर अली की मोहब्बत ना हो तो बेलज्जत हो जाए, बेमजा हो जाए, तो जिस इंसान में मोहब्बत अली ना हो वो कितना बदमजा हो, कितना बदबूदार होगा। इसलिए हम अगर इन बदअकीदों को बदबूदार कहते, लोग कहते कैसे जुमले इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा यार हमने थोड़ी इस्तेमाल किया, ये वाकई बदबूदार है। मोहब्बत अली कबूल कर लेता खुशबूदार हो जाता। तो मोहब्बत अली फलों पर भी लाजिम, मखलूक की हर शय पर लाजिम। जिस मखलूक ने कबूल किया वो सरफराज हो गई, बुलंदो बाला हो गई। और आज भी अली की मोहब्बत से अजमाया जा रहा है, आज भी अजमाई जारी है। अब आप सोच रहे होंगे अली का जमाना था, सहाबा जान लेते थे जिक्र अली से, आज क्या आजमाइश है? आज भी अली के नाम पर कुछ ऐसी आजमाइशें रखी गई कि जिस पर एक बड़ा फिरका एक पूरा तबका नहीं उतरने के लिए तैयार। इस ताल्लुक से मैं एक पहले हदीस पेश करता हूँ। इस हदीस को बहुत सारे मौदीसी ने निकला, ये थोड़ा सा एक इल्मी गुफ्तगू है। मैं इब्ने माजा के अल्फाज में मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, वरना ये हदीस बहुत सारे मौदीसी ने अलग अलग अल्फाजों में लिखी। हदीस क्या है जरा आइए सुनिए। बरा इब्ने आसिफ कहते हैं, ये सहाबी रसूल है, आका के साथ हमने हज किया। बरा इब्ने आसिफ कहते हैं हमने रसूलुल्लाह के साथ हज किया। हुजूर का की जिंदगी का ये पहला और आखिरी हज। क्यों? पूरी जिंदगी में सरकार ने सिर्फ एक ही हज किया। हुजूर ने पूरी जिंदगी में एक ही हज किया, आखिरी और पहला, बस यही। पहला भी यही है और आखिरी भी यही है। और इस हज में कितने सहाबा हुजूर के साथ शरीक थे मालूम है? 1,24,000 सहाबा। जब साहबा को पता चला कि रसूलुल्लाह हज का इरादा रखते हैं, सरकार मक्का तशरीफ ला रहे हैं मदीने से, तो इतराफ के जितने गांव थे, कबाइल थे, सब मक्का आ गए। 1,24,000 साहबा की जमात थी जिन्होंने हुजूर के साथ हज किया। सरकार हज से फारिग हुए और फिर जब मदीने की तरफ रवाना हुए, मदीने और मक्का के दरमियान में एक मकाम आता है, उस जगह का नाम है गदीर खुम। गदीर खुम पर हुजूर रुक गए। फअमर सलाता जामिया, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मंजिल पर, नाम नहीं है हदीस में लेकिन इसकी शरह में और इसके खुलासों में मौजूद है, वाकयात मौजूद है सीरत की किताबों में है कि जिस जगह रोका हुजूर ने, बरा इब्ने आसिफ कहते हैं कि एक मंजिल पर हुजूर ने रुकवा दिया, कहा कि यहाँ खैमे डाल दो, रुक जाओ। और फिर हुजूर ने यहाँ जमात के साथ बा जमात नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। ये जगह थी गदीर खुम। गदीर खुम नाम की जगह पर हुजूर ने रुकवा दिया काफिले को, कहा रुक जाओ, नमाज बजमात पढ़ी जाए। बिलाल ने अजान पुकारी, सरकार ने गालिबन जोहर की नमाज थी, जोहर की नमाज पढ़ी, आका ने नमाज खत्म की, फिर फरमाया आयना अली, कहाँ है अली? अली हाजिर हुए, सरकार में हाजिर हुए।
अब आगे अल्फाज है, फाखजा बेयदे अली रदी अल्लाह अन्हो, आका ने अली का हाथ पकड़ा, अपने सीधे हाथ में अली का हाथ लिया और हाथ को बुलंद किया और साहबा को मुखातिब किया, अली का हाथ रसूल के हाथ में है, अली का हाथ दस्ते रसूल में है, और साहबा को मुखातिब करते रसूल कहते फकाला अलस्तौला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, ऐ मेरे साहबियों बताओ क्या मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा तुमसे करीब नहीं हूं, क्या मैं तुमसे तुम्हारी जानों से ज्यादा तुम्हारा मालिक नहीं हूं। बताइए जान से ज्यादा कोई करीब हो सकता है, जान से ज्यादा किसी चीज पर हमें इख्तियार है? आका कहते हैं मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा तुम पर इख्तियार रखता हूं, तुम्हारी जानों से ज्यादा औला के मायने करीब भी होते हैं, मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा तुमसे करीब हूं, क्या मैं नहीं हूं अलस्तो, क्या मैं तुम ये अलस्तो, सवाल है ये अलस्तो बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, क्या मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा तुम पर करीब नहीं हूं, तुम पर मालिक नहीं हूं। कालू बला, तो साहब ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह क्यों नहीं, बेशक आप हमारी जानों के मालिक हैं, हमारी जानों से आप बेशक आप करीब हैं। काल, फिर दोबारा इरशाद फरमाया अलस्तो औला बिकुल मोमिनिन मिन बिन नफ्सिही, क्या मैं तमाम मोमिनों की जान से ज्यादा करीब नहीं हूं। देखिए पहले तो साहब ने कहा मैं तुम्हारी जान से ज्यादा करीब नहीं हूं, फिर दूसरे में जुमला बदल दिया आका ने और दूसरे जुमले में कहा बेकुल्ले मोमिनीन, तमाम मोमिनों से ज्यादा। तो गोया आका कह रहे हैं कि विसाल के बाद भी कयामत तक जितने मोमिन आएंगे मैं उनसे भी उनकी जानों से ज्यादा करीब हूं, मेरी मौत और हयात में कोई फर्क नहीं है, मौत मेरी अपनी उम्मत से मुझे दूर नहीं कर सकती, मौत के बाद भी मैं कयामत तक आने वाली उम्मत से ज्यादा करीब हूं, उनकी जानों से ज्यादा करीब हूं, क्या मैं तमाम मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब नहीं हूं। कालू बला, साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह क्यों नहीं, बेशक आप हर उम्मती की जान से ज्यादा करीब हैं। काल, फिर आका ने इरशाद फरमाया फहाजा वलियु मन अना मौला, अली का हाथ रसूल के हाथों में और कहा सुनो जिसका ये वली, जिसका अली मददगार, जिसका मौला अली, मैं भी उसी का मौला। ये इमाम इब्ने माजा के अल्फाज है और दीगर मुहदिसीन ने जो अल्फाज नकल किए जो मशहूर है वो क्या है, आपने फिर फरमाया मन कुंतु मौलाहु फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला अली भी उसका मौला। अब यहां देखिए अंदाज देखिए रसूलुल्लाह का, पहले सहाबा से क्या इकरार करवाया है, तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब नहीं हूं, तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब नहीं हूं। साहबा ने इकरार किया हाँ आप हमारी जानों से ज्यादा मालिक, हमारी जानों से ज्यादा करीब। हुजूर चाहते तो डायरेक्ट भी ये फरमा देते, डायरेक्ट कह देते जिसका मैं मौला अली भी मौला, ये बाद में कहा, बल्कि पहले क्या कहा कि ऐ लोगों इकरार करो, मानो, तस्लीम करो कि मैं क्या तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब नहीं। तो रसूल की इस बात को जब सबने कबूल किया तब उसके बाद कहा मैं जिसका मौला अली भी उसका मौला, मैं जिसका मददगार अली भी उसका मददगार। तो पता चला कि आका ने पहले इकरार करके बता दिया कि मौला वो होता है जो जानों से ज्यादा मालिक होता है, मौला वो होता है जो जानों से ज्यादा करीब होता है। तो जब मैं तुम्हारे करीब और तुम्हारा मौला, तो अली भी तुमसे करीब, अली भी तुम्हारा मौला। अली को भी वो इख्तियार है, जितने इख्तियारात तुम्हारी जानों पर मुझे हैं उतने ही इख्तियारात अली को भी तुम पर। और फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल ने अपने हाथों को बुलंद किया, ऐ मेरे परवरदिगार तू उसे दोस्त रख जो अली को दोस्त रखे, तू उसे दोस्त रख जो अली को दोस्त रखे, ऐ अल्लाह तू उसे दुश्मन रख जो अली को दुश्मन। हदीस तो मुकम्मल हो गई और इस हदीस से तमाम सुन्नियों को एक जुमला कहने का सबूत मिल गया मौला अली, और एक फिर उसी से क्या जुमला बना मौलाए कायनात, पूरी कायनात का मौला। तो कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया, तो सबसे पहले इब्ने तैमिया के पेट में दर्द हुआ। थोड़ी सी इल्मी बात है, इस हदीस को लिखने के बाद इब्ने तैमिया कहते हैं यह हदीस तिर्मिजी के अलावा हदीस की किसी अहम किताबों में नहीं है। बुखारी और दिगर बाद मुहदिसीन ने इस हदीस पर तान किया है और बाद ने इसे हसन कहा।
यानी अब उनके जुमले में आपके फहम के हिसाब से समझा रहा हूँ, हदीस की इस्तलाह समझने वाले इस जुमले को समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपके आसान से समझा रहा हूँ। तैमिया इस हदीस में शक पैदा करके ये बताना चाहते हैं कि हदीस काबिल कबूल नहीं है, अली को मौला मानने की जरूरत नहीं, अली को मौला कहने की जरूरत नहीं, ये जुमले दुरुस्त नहीं है। वजह क्या है? इसको सिर्फ तिर्मिजी ने लिखा, इमाम तिर्मिजी के अलावा किसी हदीस की अहम किताब में यह हदीस मौजूद नहीं है। और इमाम बुखारी जो बहुत बड़े मुहद्दिस है, बहुत बड़े आलिम है, बहुत बड़े हदीस के जानकार है, उन्होंने इस हदीस पर तान किया है, ताना दिया, इस हदीस को सही नहीं माना। तो इमाम बुखारी जैसे शख्स ने जब इस हदीस को नहीं लिखा, इमाम बुखारी ने इस हदीस पर तान किया, तंस किया, लिहाजा यह हदीस हमारे लिए काबिले कबूल नहीं है। यह इब्ने तैमिया ने कहा, आज पूरी जुरियत इस बुनियाद पर मौला अली कहने को शिर्क कहते जा रहे। आपको इंटरनेट पर अगर आप जाएंगे ना तो बदअकीदों की ऐसी बहुत सारी तकरीरें मिल जाएंगी जिसमें वो साफ कहते हैं कि अली को मौला मानना इस मायने में मददगार ये शिर्क है। तो उनसे पूछा जाए भाई मौला के मायने क्या है, तो कहते मौला के मायने दोस्त। अब इस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन इब्ने तैमिया की इस बात का मैं जवाब चाह रहा हूं ताकि रिकॉर्ड में बात आ जाए। मैं सात चीजें यहां पेश कर रहा हूं, इस हदीस की खासियत क्या और इस हदीस के ताल्लुक से इब्ने तैमिया की जहालतें कितनी बड़ी है। ये अहले हदीस और गैर मुकल्लिद वहाबी जमात के बहुत बड़े अल्लामा इब्ने तैमिया जिन्होंने जिस पर ये पूरी जमात चल रही है। पहली ये बात कि ये उसूल इब्ने तैमिया साहब ने कहां से लाया कि जो हदीस हदीस की अहम किताबों में ना आए तो उस हदीस को ना माना जाए। भाई हदीस की अहम किताबें कौन सी है? जैसे बुखारी मानी जाती है, मुस्लिम मानी जाती है, तिर्मिजी मानी जाती है, अबू दाऊद मानी जाती है, नसाई मानी जाती है, इब्ने माजा मानी जाती है। अगर इन छह किताबों में कोई हदीस ना आए बल्कि दूसरी किताबों में आए तो क्या वो हदीस काबिल एतबार नहीं है? ये उसूल बनाया किसने? क्या ये रसूलुल्लाह ने उसूल बनाया? हुजूर ने कहा था कि बस बुखारी को मानना, मुस्लिम को मानना, बाद में फिर किसी किताब पे मत ध्यान देना। और अगर अहले हदीस का ये उसूल है तो मैं बारहा इनको चैलेंज कर चुका हूं कि पूरी छह हदीसों की किताबों में बुखारी से लेकर इब्ने माजा तक, जिसको सियाहे सित्ता कहा जाता है, छह सही हदीस की किताबें, इसमें तकबीर उला से लेकर यानी अल्लाह अकबर का नियत बांधी और सलाम फेर का नमाज खत्म की, ये पूरी नमाज इन छह किताबों में मुझे पूरी नमाज दिखा दे कहीं। तकबीर उला से सलाम फेरने तक पूरी नमाज का जिक्र सियासत्ता की हदीसों के अंदर मौजूद नहीं है। तो कल से क्या आप नमाज पढ़ना छोड़ देंगे? ये एक मिसाल दी है मैंने, ऐसी बहुत सारी मिसाल है। तो ये तो उसूल ही पे गलत है भाई। ये उसूल बनाया किसने? इसे बुखारी मानो और मुस्लिम मानो, क्या अल्लाह के रसूल की हदीस है? क्या आका ने कहा था देखो 150 साल के बाद 150 हिजरी में इमाम बुखारी नाम का एक शख्स पैदा होगा, मेरे इंतकाल के 150 साल के बाद वो एक किताब लिखेगा, बस उसको मानना, बाकी फिर किसी को मत मानना। ये उसूल किसने बनाया? दूसरी बात, इमाम तिर्मिजी ने अपनी सुनन में इस हदीस को लाया तो इमाम तिर्मिजी की तो किताब हदीस की अहम किताब में शामिल है। तो इब्ने तैमिया का ये कहना तो बिल्कुल झूठ और बकवास है कि साहब ये हदीस की अहम किताबों में हदीस आई नहीं, जबकि हकीकत क्या है कि ये हदीस की अहम किताबों में है। तिर्मिजी इब्ने माजा भी सियासत्ता में, यह हदीस इब्ने माजा में भी आई है, तो कम अज कम सियासत्ता की दो किताबों में तो हदीस मौजूद है और भी किताबों में। और तीसरी बात यह है कि इब्ने तैमिया ने बहुत बड़ा झूठ बोला कि इस हदीस पर इमाम बुखारी ने तान किया है, यानी हदीस को काबिल एतबार नहीं माना इमाम बुखारी ने, बहुत बड़ा झूठ बोला है। अब बताइए, जब वहाबी फिरके का 661 हिजरी में पैदा होने वाला इतना बड़ा वक्का अल्लामा झूठ बोल सकता है तो आज का वहाबड़ा कितना झूठ बोलता होगा, और यह झूठ आज तक छाप रहे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने असल में इस हदीस पर तान नहीं किया, बल्कि ये हदीस बहुत ज्यादा तुरुक यानी बहुत सारी सनदों से आई है, कई सनदों से ये हदीस आई है। तो बास सनद में दो तीन ऐसे रावी आए जिन पर इमाम बुखारी ने इतराज किया है, बास रावियों पर इतराज है, हदीस पर इतराज नहीं है उनका, जिनमें से मैं तीन नाम बता रहा हूँ। इस्माइल नुशैद आमिरी ये एक रावी है, सोहेम बिन हुसैन असदी, उस्मान बिन आसिम, ये तीन रावी है जिनको इमाम बुखारी ने अपनी किताब तारीखुल कबीर इस पर इसमें तस्करा किया और इन तीन रावियों पर इतराज किया है कि तीन रावी सेहत के दर्जे पर नहीं है,
ये ज़ईफ रावी है, लेकिन दूसरे तो रुख से कि जो हदीसें आई है ये मोतबर रावी से आई है, तो हदीस पर इमाम बुखारी का इतराज नहीं है। और चौथी बात, इस हदीस की अब मैं चार बड़ी खास खासियतें बता रहा हूं, चार। अब चौथी बात सुनिए क्या खास बात है। ये हदीस बहुत ज्यादा तुरुक से आई है, बहुत ज्यादा रिवायत। इस हदीस को बयान करने वाले 30 सहाबा इकराम, कितने सहाबा इकराम? 30 सहाबा इकराम। गोया ये कहा जा सकता है कि ये दुनियाए हदीस में, ज़खायर हदीस में वाहिद ये वो हदीस है, मन कुन तो मौला हो फाहज अली मौला, जिसके बयान करने वाले 30 सहाबा इकराम। और इस हदीस की दूसरी खासियत सुने, पांचवें नंबर, आका ने गदीरे खुम पर ये हदीस बयान की। हज से फारिग हुए तो अब अगर थोड़े देर के लिए मैं तसव्वुर कर ले कि वो सहाबा जो मक्का में रहते थे मक्का में ही ठहर गए, हुजूर तो आगे बढ़ गए, कुछ मक्का के इतराफ थे वो भी चले गए, तो अगर हम ये मान लें कि 1,24,000 सहाबा में से आधे सहाबा हुजूर से अलग अलहदा हो गए, अपने घरों की तरफ चले गए, तो कम अज कम मोटी मोटी बात यह हुई कि 50,000 सहाबा इकराम हुजूर के साथ जरूर थे। तो ये दुनिया है हदीस की वाहिद हदीस है कि जब नबी ने बयान किया तो इसको सुनने वाले 50,000 सहाबा इकराम मौजूद है। ऐसी आपको कोई हदीस नहीं मिलेंगी कि आका ने कोई बात की और 50,000 कम से कम सहाबा की तादाद वहां मौजूद हो। ये पहली हदीस है खास। और इसकी एक छठी खसूसियात यह है कि ये वाहिद हदीस है, इसके अलावा आपको ज़खायर हदीस में कोई हदीस नहीं मिलेगी। मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिसके सुनने वालों में और बयान करने वालों में रसूलुल्लाह की 9 अजवाज मोहतरात, 9 बीबियां भी शामिल हैं। हुजूर के साथ हज के लिए आई है, 9 बीबियां एट ए टाइम हुजूर की मौजूद है। ये वाहिद हदीस है जिसको सुनने वाली हुजूर की 9 अजवाज मोहतरात मौजूद है। ऐसी कोई हदीस नहीं मिलेंगी जिसपे 9 अजवाज मोहतरात एक ही बात पर मुत्तफिक हुई हो। और सातवीं और आखिरी बात मैं बता रहा हूं, बड़ी खूब प्यारी बात, इससे ज्यादा प्यारी बात इस हदीस के बारे में मुझे कोई नहीं मिली। और मुहद्दिसीन और उलमा अगर इस पर गौर करें तो और नुकात हो सकते हैं, लेकिन ये सातवीं जो बात मुझे मिली तो खुदा की कसम ऐसी हदीस मैंने इससे बेहतरीन हदीस आज तक नहीं देखी। मुमकिन है हमारे उलमा ने देखी हो लेकिन मेरी नजर से तो नहीं गुजरी। ये ज़खायर हदीस की वाहिद हदीस है, मन कुन तो मौला हो फाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला अली उसका मौला। ये वाहिद हदीस है दुनिया ज़खायर की। जिन 30 सहाबा ने इसको बयान किया उसमें 10 अशरा मुबशरा भी है। वाहिद हदीस है, 10 वो अशरा मुबशरा सहाबी जो जन्नती सहाबी है, जिनको अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दी है। कौन से है वो 10 सहाबी जानते हैं आप? ये वाहिद हदीस है जिसमें अशरा मुबशरा है। कौन अशरा मुबशरा आई है उसके ताल्लुक से भी वो हदीस ही में पढ़ देता हूँ, हदीस पढ़ दूंगा वो 10 के नाम भी आ जाएंगे। और इसमें दो फायदे हो जाएंगे, वो 10 सहाबा के नाम पता चल जाएंगे जो जन्नती अशरा मुबशरा, और हदीस की तिलावत का भी शर्फ हासिल हो जाएगा। तो हदीस ही पढ़ू ताकि नाम भी आते जाए और हदीस की तिलावत का भी शर्फ हासिल हो जाए। और यही हदीस खुतबात में, जुमे के खुतबे में भी अक्सर पढ़ी जाती है। इसको इमाम तिर्मिजी ने भी लिखा, इस हदीस को इमाम नसाई ने भी लिखा, इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने लिखा, इमाम इब्ने हिब्बान ने अपनी सही में लिखा, इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में लिखा, इमाम बहकी ने अपनी किताब अल इतिकाद में लिखा। और हदीस पाक कौन है, क्या है? इसके रावी है हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु। रिवायत यूं है, अन सईद इब्ने जैद रजी अल्लाह अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال अशरतुन फिल जन्नत। आका, इसका पस मंजर यह है कि आका जुमे के दिन मिंबर पे तशरीफ लाए, सरकार बड़े खुश थे उस वक्त। जुमे पे मिंबर में तशरीफ लाए और मिंबर से आपने खिताब करते हुए कहा, ऐ लोगो 10 लोग जन्नती है, दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी। कहा लोगो ये 10 वो लोग हैं जो जन्नती हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने नाम पुकारना शुरू किए, अबू बकर फिल जन्ना, अबू बकर जन्नती है, व उमर फिल जन्ना, उमर जन्नती है, व उस्मान फिल जन्ना, उस्मान जन्नती है, व अली इब्ने अबी तालिब फिल जन्ना, अली इब्ने तालिब जन्नती है, व जुबैर इब्ने अवाम फिल जन्ना, जुबैर इब्ने अवाम जन्नती है, व तलहा फिल जन्ना, तलहा जन्नती है, अब्दुल रहमान इब्ने औफ फिल जन्ना, अब्दुल रहमान इब्ने औफ जन्नती है, अबू अबैदा फिल जन्ना, साद इब्ने अबी वक्कास फिल जन्ना।
अबू हजरत सईद बिन जैद ने नौ नाम लेकर खामोश हो गए। साहबा से जब उन्होंने हदीस बयान की कहा रसूलल्लाह मिंबर पर आए, कहा दस लोग जन्नती है, अबू बकर जन्नती है, उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, अली जन्नती है, जुबैर जन्नती है, तलहा जन्नती है, अब्दुलरहमान जन्नती है, अबू उबैदा जन्नती है, साद इब्ने अबी वक्कास जन्नती है। खामोश हो गए तो रावी ने पूछा ये तो नौ हुए, आपने तो कहा हुजूर ने दस का नाम लिया था, ये तो नौ हुए ना। आप खामोश हो गए। फिर रावी ने कहा हुजूर दसवा कौन है, कहा बिना समझा दसवा मैं खुद हूं, सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला, वो दसवा मही था जिसका नाम हुजूर ने लिया। ये वो दस साहबा है जो मन कुन तो मौला इस हदीस के भी रावी है। इतनी बेहतरीन हदीस यार, और ये वहां भी कह रहे हैं कि सब हमारे नजदीक मोतबर नहीं। अब जो इब्ने तैमिया का एतराज है कि हदीस की अहम किताबों में हदीस नहीं आई, मैं चंद के नाम ले रहा हूं, बात रिकॉर्ड करना मेरा मकसूद है इसलिए मैं नाम ले रहा हूं, गिनना आपका काम है। और इब्ने तैमिया की अकीदे पर लानत भेजिए, इन वहाबियों पर लानत के बोल बोलिए कि ये नाम के अहले हदीस है। खुदा की कसम हदीस के नाम पर हदीस का गला जिन्होंने सबसे ज्यादा घोटा यही अहले हदीस अहले खबीस है। हदीस के नाम पर हदीस का कत्ल किया है इन्होंने। इसको कितने उन्होंने लिखा, क्या ये हदीस की अहम किताबें नहीं है? इसको इमाम इब्ने माजा ने अपनी सुनन में लिखा अल मुकद्दमा के अंदर जिल्द नंबर एक सफा 88 हदीस नंबर 116। इमाम तिर्मिजी ने अपनी सुनन में इसको लिखा जिल्द नंबर 5 सफा 633 हदीस नंबर 3713। इमाम अब्दुल रज्जाक, ये कौन है इमाम अब्दुल रज्जाक? ये इमाम अब्दुल रज्जाक इमाम अहमद इब्ने हंबल के उस्ताद है और इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के दादा उस्ताद है। अब बताइए दादा उस्ताद इमाम बुखारी के लिख रहे, इब्ने तैमिया कह रहे किसी मुहद्दिस ने लिखा ही नहीं, अहम मुहद्दिस ने। इमाम अब्दुल रज़ाक ने अपनी अल मुसन्नफ जिल्द 11 सफा 225 हदीस नंबर 20388 पे लिखा, इसी मन कुन तो मौला वाली इस हदीस को इमाम इब्ने अबी शैबा, ये भी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद है, इमाम अबू दाऊद के भी उस्ताद है, इन्होंने भी अपनी किताब अल मुसन्नफ जिल्द 6 सफा 366 हदीस नंबर 32072 पे लिखा। इमाम अहमद इब्ने हंबल ने मुस्तद अहमद जिल्द नंबर 5 सफा 347 हदीस नंबर 22995 पे लिखा। इमाम नसाई ने सुननुल कुबरा के अंदर जिल 5 सफा 131 पे लिखा। इमाम हैसमी ने मजमाउ ज़वाइद अपनी किताब जिल 9 सफा 108 पर इस हदीस को लिखा। इमाम खतीब बगदादी ने अपनी किताब तारीख बगदाद जिल 12 सफा 343 पर इस हदीस को लिखा। इमाम इब्ने अबी आसिम ने अपनी किताब अस-सुन्ना सफा 602 हदीस नंबर 1360 पर लिखा। इमाम इब्ने हुस्सामुद्दीन हिंदी ने अपनी हदीस की किताब कंजुल उम्माल जिल 11 सफा 608 हदीस नंबर 32946 पर लिखा। इब्ने असाकिर ने तारीख दमिश्कुल कबीर सफा 144 पर लिखा। और गैर मुकल्लिद वहाबियों का बहुत बड़ा पेशवर इमाम गुजरा है जिनका नाम है इब्ने कसीर, अल्लामा इब्ने कसीर ने अपनी किताब अल बिदाया व निहाया जिल 5 सफा 457 पर इस हदीस को बयान किया। बहरहाल अली का देखना भी इबादत, ये भी एक फजीलत आई मौला कायनात के बाद। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر الى وجه علي عباده, कहा कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं कि अली को देखना भी इबादत है। अली को देखना, बताइए देखना इबादत हो तो मोहब्बत कितनी बड़ी इबादत होगी, है ना? हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है कि मैंने एक मरतबा देखा कि हजरत अबू बकर मेरे वालिद अली को देख रहे हैं, मुसलसल देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं मगर निगाह अली से नहीं हटती। गुफ्तगू चल रही थी, हजरत आयशा पर्दे में से झाक झाक के देख रही है कि फरमाती है मैंने देखा कि मेरे बाबा अबू बकर सिद्दीक गुफ्तगू करते थे लेकिन निगाह अली के चेहरे से नहीं हटती थी। जब मजलिस बर्खास्त हुई तो मैंने अपने वालिद से पूछा कि अब्बा जान क्या बात है कि आप अली को बहुत देर तक देखते रहे, आपकी निगाह अली से हट नहीं रही थी? कहा बेटी आयशा तुम नहीं जानती कि रसूलल्लाह ने फरमाया अली को देखना भी इबादत है। तो मैंने चाहा जितनी देर बैठा हूं उतने देर अली को देखता भी रहूं ताकि इबादत भी होती रहे, अली का देखना भी इबादत। अब हम तो महरूम रह गए ना भाई, हम अली को देख सकते हैं?
नहीं, लेकिन अहले सुन्नत के लिए सिर्फ खुशखबरियां, वहाबियों के लिए सिर्फ वईद है, इसलिए कि उनका तो मौला ही नहीं है ना, अहले सुन्नत में मौला है, इसलिए उनके लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा फरमाती है, जिक्र वालीन इबादत, लोगों अली का जिक्र भी इबादत है। तुम अगर अली को ना देख सको तो क्या हुआ, जिक्र ही कर लिया करो अली का, कि उसका जिक्र करना भी इबादत है। तो फजाइल पर तो इतने हैं, मैंने एक बात में गुफ्तगू तमाम कर दी थी, हालांकि कि इमाम अहमद इब्ने अंबल फरमाते हैं कि जितनी फजीलत मौला कायनात की बारे में जितनी फजीलत पे हदीसें आई है, किसी सहाबी के बारे में उतनी हदीसें मौजूद नहीं है। जिंदगियां तमाम हो जाएंगी, फजाइल अली का हाता नहीं हो सकता। आइए इल्म अली पर मैं गुफ्तगू करूँ, और उसके बाद फिर शहादत के हालात पर मैं गुफ्तगू करूँगा।